साल 2023 यानी इसी साल रिलीज हुई कुछ धमाकेदार वेब सीरीज जो कि हाल ही में OTT पर रिलीज हुई हैं और क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई हैं। ये सीरीज मैं पर्सनली आप सभी को रेकमेंड करती हूँ क्योंकि इन सीरीज की रेटिंग काफी अच्छी है। तो खूब सारी एक्साइटमेंट के साथ आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले काउंटडाउन नंबर 5 पर आती है मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज होस्टेजेस 2। ये एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली हैं और 76% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इस सीरीज की कास्ट में हमें नजर आते हैं रौनित रॉय, दिव्या दत्ता और डीनो मौर्या जैसे और भी कई सारे स्टार्स। इस सीरीज के टोटल 12 एपिसोड्स हैं जो लगभग 25 से 40 मिनट के हैं। तो आइए बात करते हैं सीरीज की कहानी की। तो कहानी दरअसल सीजन 1 की कंटिन्यूएशन में है जहां मुख्यमंत्री के अपहरण का राज खुलने के बाद पृथ्वी सिंह चाल बदलना चाहता है लेकिन उसकी चाल पलट जाती है और फिर शुरू होता है हॉस्टेजेस बनाने का सिलसिला। हर कदम पर कभी कोई तो कभी कोई बंधक बनते बनाते नजर आते हैं। ये सीरीज एक्टिंग और स्क्रीन प्ले के हिसाब से काफी जबरदस्त है। कहानी क्या क्या मोड़ लेती है जानने के लिए आपको ये सीरीज एक बार देखनी होगी। ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स, काउंटडाउन नंबर 4 पर हमने रखा है साल 2023 यानी अभी अभी आई एक और क्राइम थ्रिलर सस्पेंस पर बनी बेहतरीन स्क्रीन प्ले वाली वेब सीरीज दुरंग 2। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली हैं, वहीं 68% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इस सीरीज की लीड रोल में हमें नजर आते हैं गुलशन देवाय, दृष्टि धामी और अमित साध जैसे और भी कई सारे टैलेंटेड एक्टर्स। अब बात करें सीरीज की कहानी की तो कहानी बेस्ड है साइको किलर के द्वारा किए गए मर्डर्स पर, जहां ईरा अपने पति की सच्चाई इस सीजन में जान जाती है लेकिन फिर भी अनजान बनी रहती है। इसी बीच अमित साध यानी असली समित पटेल की एंट्री होती है जो कहानी को बहुत ज्यादा सस्पेंस की तरफ ले जाती है। अब देखना ये है कि असली और नकली समित पटेल के बीच कहानी किस तरफ मोड़ लेती है। ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है जो आपको हर थोड़ी देर में नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस कराती है। इस सीरीज के कुल 8 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज आपको एक बार फिर सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री के रोलर कोस्टर राइड पर ले जाती है। सीजन 1 और सीजन 2 दोनों ही जरूर देखें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सीजन 2 की तो ये सीजन आप सबके लिए Z5 पर अवेलेबल है। काउंटडाउन नंबर 3 पर आती है साल 2023 यानी अभी अभी आई एक धमाकेदार क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज स्कैम 2003 सीजन 2। ये एक हाल ही में आई काफी थ्रिलिंग वेब सीरीज है जो कि सिस्टम में होने वाले करप्ट साइड को आगे लेकर आती है। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली हैं और 86% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इस सीरीज की कास्ट में हमें नजर आते हैं गगन देव रियार, सना अमीन शेख और नंदू माधव जैसे और भी कई सारे स्टार्स। गगनदेव की एक्टिंग फर्स्ट सीजन की तरह ही काफी प्रॉमिसिंग है। इस सीजन के कुल 5 एपिसोड्स हैं जो काफी एडिक्टिव हैं। पहले सीजन्स की तरह पहले सीजन्स में जहां अब्दुल करीम तेलगी को बेशुमार पैसा कमाते दिखाया गया है, वहीं दूसरे सीजन में उसका अर्श से फर्श तक का सफर दिखाया गया है। इस सीजन में तेलगी पुलिस और राजनेताओं के बीच फंसकर रह जाता है और बलि का बकरा बन जाता है। ये एक यूनिक स्टोरी लाइन पर बनी सच्चाई पर बेस्ड फिल्म है जो कि आपको इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करने देगी। मेरी रिकमेंडेशन पर आप इसके दोनों सीजन्स जरूर देख लें क्योंकि दोनों सीजन्स एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आपने ये सीरीज मिस कर दी है तो आप इसे सोनी लिव पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल वी फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही माइंड ब्लोइंग लेटेस्ट वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें। फ्रेंड्स, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए काउंटडाउन नंबर 2 पर आती है साल 2023 यानी इसी साल रिलीज हुई एक मच अवेटेड क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज आर्या सीजन 3। इस सीजन की कास्ट में हमें नजर आते हैं सुष्मिता सेन, वीरेन वजीरानी और आरुषि बजाज जैसे और भी कई सारे मल्टी टैलेंटेड एक्टर्स। इस सीरीज के टोटल 4 एपिसोड्स हैं जो पहले 2 सीजन्स की तरह ही ऑडियंस को बांध कर रखने वाले हैं। अब बात करें सीरीज की कहानी की तो इस सीजन में दिखाया गया है आर्या सरीन एक गैंगस्टर की भूमिका निभाती हैं और अपने बच्चों को गैंगस्टर्स की दुनिया से बचाते बचाते खुद ही गहरी काली दुनिया का हिस्सा बन जाती है। वो इस गुनाह से भरी जिंदगी में काफी खुश है, अफीम की तस्करी का कारोबार करती है, पर कहानी में चीजें तब बदल जाती हैं जब उसके बच्चे इस सच को जान जाते हैं। अब कहानी में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है कि क्या गैंगस्टर से भरी दुनिया और फैमिली के बीच आर्या सरीन किसको चुनती है।
सीरीज की कहानी काफी अच्छी है और सुष्मिता सेन की एक्टिंग भी जबरदस्त है। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आप सबके लिए अवेलेबल है। फाइनली काउंटडाउन नंबर 1 पर आती है साल 2023 में यानी अभी इसी साल रिलीज हुई एक्शन ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज थ्री लैंसर। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली हैं, जो कि माइंड ब्लोइंग रेटिंग्स मानी जाती हैं, और 86% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। पर्सनली मैं इस सीरीज को जरूर देखने के लिए आपको रेकमेंड करती हूँ। ये एक एंगेजिंग वेब सीरीज है जिसमें कुल 4 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज में लीड रोल निभाते हमें नजर आते हैं मोहित रैना, कश्मीरा परदेसी, सारा जेन दियाज और आयशा रजा जैसे और भी कई सारे बेहतरीन एक्टर्स। अब बात करें सीरीज की स्टोरी लाइन की तो ये सीरीज ISIS और सीरिया के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें आतंकवाद जैसे मुद्दे को हाईलाइट किया गया है। दरअसल एक हिंदुस्तानी लड़की को धोखा देकर एक मुस्लिम लड़का आतंकवाद के चक्कर में शादी करके सीरिया ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश कामत एक फ्रीलांसर है जो उस भारतीय लड़की को वापस अपने देश लाने की पूरी कोशिश करता है। आलिया अविनाश के दोस्त की बेटी होती है तो वो उस पर पूरा भरोसा करते हुए उसका साथ देती है। अब कहानी में आगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है कि कैसे अविनाश चुनौतियों का सामना करते हुए उस लड़की को आतंकवाद के चंगुल से छुड़ाता है। फ्रेंड्स, कहानी इतनी माइंड ब्लोइंग है कि आप एक भी एपिसोड मिस नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक्शन प्लस थ्रिलर वेब सीरीज के कॉम्बिनेशन के फैन हैं तो आप सबके लिए ये एक मस्ट वॉच सीरीज है। ये वेब सीरीज भी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखने को मिल जाएगी, मिस मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कुछ बेहतरीन वेब सीरीज जो अभी अभी रिलीज हुई है। ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े रहें। बाय फ्रेंड्स।